महाराष्ट्र से हैं माधवी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार। मुझे हकीम सर से बात करना है। उनको नमस्ते जी। आदाब माधवी जी, बताइए जी। मुझे 3 सवाल है मेरा। जी, मेरी लड़की को पीरियड आते हैं ना, तो बहुत लेट 15-15 दिन तक तो सामने होता है, उसको एक बार बताइए। ठीक है, कोई जांच कराई आपने? कोई जांच कराई आपने इस बारे में? नहीं, अभी पता तो नहीं कराई। ठीक है। अच्छा, देखिए, मरीज़ की जांच कराना ज़रूरी है कि क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, और एक इलाज भी बता देता हूँ। वैसे जांच कराना बेहतर है। एलोवेरा का सिरका आता है, एलोवेरा का सिरका, ये आप 2-3 चम्मच एक गिलास पानी में डालें, एलोवेरा का सिरका, और एक चुटकी इसमें आप डाल दें खाने का सोडा, और रात को सोते समय मरीज़ को पिला दें रोज़ाना। तो कुछ दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मरीज़ का ठीक होना मुमकिन है जी। आपका दूसरा सवाल जी, बोलिए। रैशेस होते हैं बदन में खुजाने के लिए, एलर्जी होती है जी। जी, किनको होती है ये, क्या उम्र है उनकी? जी, वो मेरी, मुझे अपने लिए 40, मेरा उम्र 40 का है। अच्छा, तीसरा सवाल भी कर लीजिए अपना। तीसरा सवाल है, जलन होता है। कहाँ जलन होती है? पैरों में। पैरों में, पैरों में। जी, पति को होती है ना, पति के पैरों में जलन होती है। अच्छा, उनकी उम्र? उनकी उम्र है 45। जी। अच्छा, आपको जो रैशेज होते हैं उसके लिए सेम नुस्खा जो मैंने उसके लिए बताया है आपके पहले मरीज के लिए, वही आप लें उसी तरह दिन में एक बार। जिनको बहुत दिन तक मेंसेस होते हैं वही नुस्खा आप लें, ये उसमें आपको फ़ायदा करेगा। ये दोनों इमराज के लिए, ये नुस्खा बहुत मर्ज़ों के लिए है, बहुत रोगों के लिए है। तो सेम आप लें, वही 2-3 चम्मच पानी मिलाकर, एक चुटकी सोडा मिलाकर आप इस्तेमाल करें। देखिए, पति के लिए एक तो ये ज़रूरी है कि वो गौंद स्याह असली ले लें। गौंद स्याह एक काले गौंद को कहते हैं जो नकली बहुत मिलता है, और ये असली मिलना बड़ा ज़रूरी है। इसके चक्कर में लोग वो दे देते हैं एलवा या ढाका गौंद, वो भी काले काले होते हैं, लेकिन गौंद स्याह एक ऐसे काले गौंद को कहते हैं जो सबसे अलग होता है। ये असली हासिल करने, और मैं अक्सर बताता हूँ, ये सस्ता इलाज है, 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है। कैसा ही दर्द हो, जलन हो, पैरों में खिंचाव हो, नसों का मामला हो, कमर में दर्द हो, जिसको भी असली मिल गया, तो आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को दें खाने के पश्चात, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, तो उनका भी ठीक होना मुमकिन है। जी, पल्लवी है महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। हेलो सर जी, पल्लवी बताइए। तो मुझे ये पूछना था कि मेरे फेस पर बहुत सारे दाने आ रहे हैं, पिंपल्स। मैंने बहुत उपाय किए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी उम्र क्या है? 18 साल जी। देखिए, फायदे का नुस्खा मैं ही बताता हूँ अक्सर। कोई भी बच्ची हो, बच्चा हो, जिसके वहाँ से निकलते हों, चेहरा साफ ना हो, चेहरा काला सा हो जाता है, उसके लिए बाल नहीं बढ़ते हों या कद नहीं बढ़ता हो, उसके लिए भगवान ने एक गौंद बनाया है जिसको गौंद सफ़ेद मोरिंगा कहते हैं। याद रखें, मोरिंगा के नाम पे बहुत सारे गौंद लोग बेच रहे हैं, लेकिन सफ़ेद गौंद मोरिंगा ही असली गौंद मोरिंगा है। और इसमें लाल देते हैं, कोई पीला सा देता है, वो नहीं लेना। ये आप 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो आपकी बीमारी के लिए काफ़ी होना चाहिए। ये रॉ मटेरियल है, और सफ़ेद कहते हैं लेकिन बर्फ़ी जैसा होता है। इसे आप
पाउडर बना लें और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के, नारियल पानी में मिला के या दूध में मिला के रोज़ाना पी लिया करें, बस एक बार, आपकी परेशानी का हल मुमकिन है। तो पल्लवी, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, पिंपल्स से आपको राहत ज़रूर मिल जाएगी। एक बार आप नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा। अगर आप लिख नहीं पाई हैं या फिर आप नुस्खा समझ में आपके नहीं आ पाया है, आप तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा। आइए बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका निखिलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जरा उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी जी जी, आप सवाल कर लीजिए, अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 78 है जी। और बेटा ऐसा है, मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ। हाँ। उनके अलग डॉक्टर से बात होती है, सब अलग अलग नुस्खा बताते हैं। मुझे कई तो बीमारियाँ हैं। क्या क्या बीमारी है? हाँ। आपको? मुझे ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ऑस्टियोपोरोसिस है और मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत है जी। तो कई लोग आपके यहाँ डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ बताते हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो इसलिए मुझे कोई वैद्य ऐसा नुस्खा बताए जो गर्म भी नहीं हो और मुझे काम भी कर जाए। छोटे भाई की तरह मुझे और कॉन्स्टिपेशन की बहुत, और 8 महीने से उनका प्रोग्राम देख रहा हूँ। गर्म चीज में कोई खा नहीं सकती। ठीक है, हम आपको ठंडी चीज बता देते हैं। लेकिन देखिए, जब भी हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं, चाहे आप उससे करें या किसी और से, तो हम जो बात करते हैं उसी के आधार पर दवा का सिलेक्शन करते हैं। कभी आप ज़्यादा मर्द बता देंगे तो वो कुछ और बता देंगे। मुझे भी अगर आप ऐसा करेंगे कि कभी कुछ बताएंगे कभी कुछ, तो मैं भी कभी कुछ बताऊंगा और कभी कुछ। देखिए, एक आता है जैतून का सिरका, बस ये खरीद लें आप, असली, नकली नहीं, नकली की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और ये आपको 3 चम्मच दोपहर खाने के बाद और 3 चम्मच रात को खाने के बाद, 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के पीना है, ठीक है? और जब भी ये पीना है, आधा चम्मच ये आपका होता है ना धनिया, धनिया का पाउडर बना के रखें, आधा चम्मच ये खा लिया करें जब भी ये पिए। आपके तीनों रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए। 5-7 महीने इलाज करेंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है जी। भोपाल से हैं निशा जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार जी। नमस्कार, को भी मेरा नमस्कार। आदाब, जय हिंद। बताइए क्या सवाल है? सभी भाई स्वस्थ रहे, निरोग रहे। मेरी ओर से मैं, मुझे दवा में बहुत आराम मिल रहा है जी। और मेरे 2-3 सवाल हैं सर। गौंसिया से आराम मिल रहा है? बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। हाँ, गौंसिया ले रहे हैं ना, हाथ में दर्द था, थोड़ा जान में दर्द था। तो उसकी दवा ले रहे हैं गौंसिया, तो मुझे तो 1 ही हफ्ते में आराम मिल गया था गुरु जी। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। अब अपने सवाल बताइए। हाँ, 1 महीने से हम ले रहे हैं बराबर गौंसिया जी। तो काफी, हाँ काफी आराम है मुझे। और मेरा जो लड़का है तो उसको पेट में जलन होती थी, तो वो जलन में भी उसको आराम है, लेकिन उसको भूख कम लगती है। तो सिरका मंगाया था, तो डॉक्टर साहब 2 बोतल हमने इकट्ठे मंगा लिया था, तो क्या वो खराब नहीं हो सकता एक साथ? अगर कहीं ऐसी जगह बोल रहे थे कि ठंडी गर्म में ना रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसके लिए जरा बताना डॉक्टर साहब। ना ना, खराब कभी नहीं होता, ये जिंदगी भर भी खराब नहीं होता। यही ऐसी वाहिद चीज है जो कभी खराब नहीं होती। और क्या सवाल है आपका? और मेरा ये है कि मेरे पति का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। हाँ। तो करीब 6 साल हो गए। हुँ। तो हम ये वैसे तो हम सोचते हैं जिनको, जैसे वो सिरका पिलाते हैं तो उनको जुकाम टाइप का हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल लेते हैं, उसी में कद्दू कस से 2-3 लहसुन निकाल देते हैं और सब्जी अब्जी में डाल देते हैं, तो थोड़ा उसको समझ में भी नहीं आता, उनको आराम मिल रहा है उससे, उनको ऐसे खिला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सही नुस्खा रहेगा कि ये नहीं सही रहेगा? और मेरे लोग खाने परहेज बता दिए डॉक्टर साहब। खाने का परहेज बता दीजिए। जैसे मेरी गैस बनती है डॉक्टर साहब, बाजू में दर्द रहता है, गैस ही बहुत बनती है। गैस बहुत बनती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अच्छा देखिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप लोगों को फ़ायदा होने लगा। अच्छा वो सिरके में तो मैं बताता ही हूँ आपको कि अदरक और लहसुन का जूस मिला लें, और चाहे तो नींबू का भी मिला लें, नहीं तो नहीं मिलाएं, नींबू अगर नुकसान देता हो। और ये सब मिला लेंगे ना, बराबर का मिलाएं, जैसे एक लीटर सिरका, एक लीटर अदरक का जूस, एक लीटर लहसुन का जूस, और जब ये पिया जाता है तो नज़ला नहीं होता, ये इसकी तासीर बदल जाती है। तो इस तरह अपने पति को दें या जिस तरह भी वो लें। देखिए जिसको भी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ हो, सर्जरी हुई हो, उसको 5-7 साल बाद फिर होता, ये एक मतलब ऐसा सच है जो हम अपनी आँख से देखते हैं। चाहे उसको रिंग पड़ा हो या बाईपास सर्जरी हुई हो, लेकिन 5-7 साल बाद फिर वही सब होता है। तो इसका एक फ़ायदा यह है कि ये उसे रोक लेता है दोबारा से होने से, तो इसलिए देना ज़रूरी है। और क्या सवाल है जी? इन्होंने अपने आपके लिए पूछा था ये क्या परहेज़ कर सकती हैं, जैसे कि इन्हें कब्ज़ की भी शिकायत थी। हाँ, परहेज़ में तो किसी किसी को कोई चीज़ कब्ज़ करती है। जैसे मैं अगर बेसन की आइटम खाता हूँ तो मुझे कब्ज़ होता है, यानी बेसन यानी चना, चने से बेसन बनता है। किसी को बेकरी आइटम नुकसान देते हैं तो वो कम खाएं, या जब भी खाएं उसमें अदरक लहसुन खूब मिला लें तो फिर नुकसान कम हो जाता है। जो खाना आप बनाते हैं, मैं अक्सर महिलाओं से कहता हूँ कि उसमें इतना अदरक और इतना लहसुन डाला करिए, फिर देखें आपके बच्चे को भूख भी खूब लगेगी। जिस दिन आपने इतना लहसुन और इतनी अदरक डाल दी पूरे खाने में, देखिए मेरा हाथ देख लीजिए, उस दिन वो बच्चा अगर 3 बार खाना खाता होगा तो 4 बार मांगेगा। ये मेरे घर होता था और मैं एक दिन में 4 बार खाना खाता था जब मैं बच्चा या बड़ा था। मेरी माँ बड़ी माहिर थी खाना बनाने में, उन्हें ये पता था भूख किस चीज़ से लगती है। ये मेरी माँ का नुस्खा है, अदरक और लहसुन इतना सारा। तो महिलाएं अक्सर इतना सा डालती है, वो कितना कितना हिस्से में आता है। एक घर में 5 मेंबर हैं तो एक एक पोथी भी नहीं आती, इतना डालेंगे तो हिस्से में आना चाहिए ना, तो खूब भूख लगेगी। उसको फ़ायदा है, भगवान बच्चे को भी फ़ायदा दे रहा है और आपको भी। आप बस वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, दर्द को फ़ायदा भगवान आपको दे रहा है। ख़त्म होते होते गौंसिया ने आपको फ़ायदा दिया, ख़त्म होते होते आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। ये अच्छा आपने असली ले लिया, नकली बहुत मिलता है, असली लिया करें। यूपी से हैं मंगलू शर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार, बोलिए सर, प्रश्न करिए। मैडम कह रहे हैं कि यूटी संबंधी समस्या 10-12 साल की। कौन सी परेशानी है? यूरिन संबंधी। यूरिन ज्यादा आता है, मुश्किल से आता है, क्या होता है सर? होता है लेकिन 10-12 साल से जलन होती है, दर्द होता है। आपकी उम्र क्या है? 48 साल। जलन होती है, ठीक है सर। आपकी दवा आपके यहाँ? जी जी बोलिए। नमक जैतून मंगाए थे और पी केयर खा रहे हैं सर 1 महीना से। लेकिन सर आराम तो था, फिर बढ़ गई परेशानी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। इसलिए सर उसमें सर लगता है कुछ कीटाणु भी काट रहे हैं। और नहीं नहीं देखिए, यूनानी दवा खा रहे हैं आप, कभी कभी ऐसा लगेगा वैसा ही हो गया। ये प्राकृतिक रूप से काम करती है, आपको कई महीने ये इलाज करना होगा। और कभी कभी ऐसा लगेगा वैसी परेशानी आ गई, तो उससे घबराए नहीं। कभी ज़रूरत पड़े तो कोई अपने डॉक्टर से भी दवा ले सकते हैं, उसको साथ में भी ले सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू अगर 5-7 महीने ली जाए तब फ़ायदा मुमकिन है। और कभी कभी वैसा का वैसा लगे तो घबराना नहीं, क्योंकि ये यूनानी एक प्राकृतिक रूप में काम करती है। कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि अरे फिर वैसा ही है, तो इसकी कोई परवाह ना करें, क्योंकि ये जड़ पे काम करती है। तो कोई भी मर्ज हो, कोई भी दवा हो, आप इसके साथ भी ले सकते हैं एलोपैथ में, लेकिन इसका इलाज थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा।
आपको फायदा तो हुआ था, फिर पूरा फायदा होना भी मुमकिन है।